आपने पिछले कार्यकाल में काफी बड़े काम किए, आर्टिकल 370 को रद्द किया, CAA को लेके आए, मगर ऑपोजिशन लीडर्स इस कैंपेन में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सबको जो है CAA को रिपील कर देंगे। ममता बनर्जी खास करके कह रही है CAA को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी, इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि जिसको भारत का संविधान समझ है, जिसको भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पता है, किसके पास कौन काम है वो सब पता है, वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय ही नहीं है जी। अगर मोदी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है जी। जो भारत सरकार के विषय है वो भारत सरकार करेगी, जो राज्य सरकार के विषय होते हैं वो राज्य सरकार करेगी। लेकिन जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, जनता को अंधेरे में रखकर इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। दूसरी बात है, मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस पार्टी कल्पेश गांधी करके बता दे कि हम 370 वापिस लाएंगे, क्योंकि 370 हटने के बाद ये लोग संविधान की इतनी बड़ी बातें करते हैं ना जी, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हमको इतनी गालियां देते हैं। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है, ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहां दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है जी, वाल्मीकि समाज जहां रहता है वहां पहली बार आरक्षण मिल रहा है, ये सब क्या बातें करते हैं जी। और उनकी हिम्मत है क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे? हिम्मत है तो कोई भी दल हिम्मत है तो आ जाए मैदान में। मोदी जी बंगाल की तरफ चलते हैं, वेस्ट बंगाल में जो है इस बार चुनाव काफी जोरों में लड़ाई हो रही है। पिछली बार जब आप 2019 में 18 सीट लाए थे 42 में, तो लोग चकित रह गए थे, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आप 18 सीट लाएंगे। इस बार आपके एक नेता ने कहा है कि 36 सीट आ सकती है, राजनाथ जी ने मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि 36 सीट आ सकती है, कैसे देख रहे हैं इस वक्त माहौल को? देखिए जहां तक लोगों का चकित वाला जो आप कह रहे हैं ना, उनका प्रॉब्लम यह है कि मुझे 10 साल हो गए अभी भी मानने को तैयार नहीं कि देखिए जनता ने मोदी नाम के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, तो ऐसी एक जमात है जो देश के मैंडेट को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जी। अब हकीकत है भाई कि देश की जनता हमको समर्थन दे रही है, आपने हिसाब लगाया था नहीं होगा नहीं होगा, वो तो आपकी गलती थी जी। लोग हमारे तो लोगों के साथ संपर्क है, बट मैं मालदा में था, मैंने जी मैं हैरान था कितना बड़ा जबरदस्त वहां माहौल था जी। अब जनता जनार्दन का विश्वास बन रहा है कि देश में एक स्थिर मजबूत सरकार है, बंगाल में भी उसका परिणाम अच्छे मिले, और TMC के शासन में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे, संदेश खाली की जो घटना है पूरे देश को हिला दिया है जी, और उसका गुस्सा निकलना ही निकलना है। मतदान आखिर जनता के पास तो मताधिकार है, उससे से अपना गुस्सा निकालेंगे जी, तो गुस्सा निकलना है बहुत स्वाभाविक है। आपने देखा होगा नोटों के ढेर, क्या कभी आपके TV वालों ने इतने सारे नोटों के ढेर कभी पकड़े गए देखा था जी? पिछले कुछ सालों में आप लगातार 50 करोड़ के ढेर, 300 करोड़ के ढेर, 250 करोड़ के ढेर, 200 करोड़ के ढेर, देश चौंक गया है जी। आप कितना इसको दबाने की कोशिश करो, लेकिन देश के दिल दिमाग में स्थिर हो चुका है कि लूटने वाले लोग हैं, तो इस बार जीत और बड़ी होगी। बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रहे हैं। उड़ीसा को कैसे देखते हैं? उड़ीसा में आपने जो है BJT का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी वहां अलग रही है, BJD ने मुद्दों के आधार पर समर्थन, केंद्र में हमारा समर्थन किया था मुद्दों के आधार पर जी, और ऐसे बहुत से दल हैं जो मुद्दों के आधार पर हमें समर्थन देते रहे हैं, तो BJD का हमारा नाता बुरा राज्य के अंदर, हम बिल्कुल उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही है भाई, उड़ीसा की अस्मिता संकट में है, उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है, और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। इतने संसाधन है जी, आज उड़ीसा देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता था जी, रिचेस्ट स्टेट, लेकिन क्या हालत बना के रखी है। तो अब उड़ीसा के सामान्य मानवी के अंदर एस्पिरेशंस है जी, और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए, हम उड़ीसा को कहां से कहां पहुंचा कर देंगे,